गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग हमारा सौर परिवार जो लेसन है उसमें इससे पिछले वीडियो में सूर्य के बारे में पढ़े थे हम लोग आज हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे ठीक है कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया गया था आप लोग उसे किए होंगे और आगे हम लोग आज बढ़ते हैं ग्रहों के बारे में चलिए तो मैं इसको एक बार पढ़ रहा हूं उसके बाद से इसको इसका एक्सप्लेन करूंगा आप लोग ध्यान से सुनिएगा कह रहा है कि ग्रह का ग्रीक भाषा में अर्थ है घुमक्कड़ ग्रह का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ होता है घुमक्कड़ सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर घूमने वाला काशि पिंड ग्रह कहलाते हैं हम तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं सौर मंडल में कि सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले आकाशीय पिंड होते हैं वे क्या कहलाते हैं ग्रह कहलाते हैं और सौर मंडल में कितने है? ग्रह हैं आठ ग्रह हैं फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को उसका नामांकित चित्र बनाने को दिया गया था कह रहा है कि ग्रह का ग्रीक भाषा में जो अर्थ है उसका अर्थ क्या होता है घुमक्कड़ यानी घुमक्कड़ का अर्थ हुआ कि घूमने वाला एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने वाला ठीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं घुमक्कड़ कहते हैं सौर मंडल में सूर्य के चार ओर घूमने वाला कैसे पिंड ग्रह कहलाते हैं यानी कि सौर मंडल में ही सौर मंडल से अलग नहीं सौर मंडल में जैसे कि सौर मंडल किसे कहते हैं सूर्य और उसके आठ ग्रहों के जो समूह होता है उसको सौर मंडल कहा जाता है सूर्य और उसके आठ ग्रहों का जो एक परिवार होता है उसको क्या कहते हैं सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं इसलिए यहां पे कह रहा है कि सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर घूमने वाला का से पिंड ही क्या कहलाते हैं ग्रह कहलाते हैं कह रहा है कि ग्रहों को ना तो स्वयं की उष्मा होती है और ना ही कोई प्रकाश जबकि जो तारे होते हैं उनका अपना उष्मा और प्रकाश होता है ये बात आपको याद एकदम रखना होगा क्योंकि सूर्य क्या है एक तारा है जिसका अपना उष्मा और प्रकाश होता है और यहां पे रहा है कि ग्रहों की ना तो स्वयं की उष्मा होती है और ना ही कोई प्रकाश क्योंकि ये ठोस पदार्थों और गैसों के मिश्रण से बने होते हैं यानी ग्रह किससे बने होते हैं ठोस पदार्थों और गैसों के मिश्रण से बने होते हैं इसलिए इनका अपना यानी स्वयं का उष्मा और प्रकाश नहीं होता है करा है सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं यानी कि सभी ग्रह जो है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके ही हमें नजर आते है या हैं या दिखाई देते हैं कि हमारे सौर मंडल में आठ ग्रह हैं जिनके नाम सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में देखिए जिनके नाम क्या दिया है सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में दिया हुआ है सबसे पहले क्या दिया है बुध यानी सूर्य के सबसे नजदीक अगर कोई ग्रह है वो कौन है बुध उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है शुक्र तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है पृथ्वी यानी कि हम लोग जिस पे रहते हैं वह सूर्य से तीसरे नंबर पे यानी अगर सबसे पहले अगर पूछा जाए कि पहला ग्रह कौन है सूर्य के सबसे नजदीक तो वह बुध दूसरा शुक्र तीसरा पृथ्वी चौथा मंगल पांचवा बृहस्पति छठा शनि सातवा अरुण और आठवा वरुण यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रहों का नाम दिया गया है सबसे नजदीक बुध है और सबसे दूर स्थित वरुण है ठीक है तो ये आपका रहा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम कह रहा कि यहां पे उसका नाम भी यहां पर दे दिया कि मैं निम्नलिखित है सबसे एक नंबर पे बुध दो नंबर पे शुक्र तीन नंबर पे पृथ्वी चार पे मंगल पांच पे बृहस्पति छह पे शनि सात पे अरुण और आठ पे वरुण कह रहे बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के का काफी नजदीक है तीनों लगातार है बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल चार ये चार ग्रह जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है आंतरिक ग्रह कहा जाता है जबकि बृहस्पति शनि अरुण और वरुण को बाह्य ग्रहों के रूप में माना जाता है यानी आंतरिक मतलब कि अंदर के ग्रह है और बाह्य मतलब कि बाहर के ग्रह कर हालांकि सभी ग्रहों की आकृति लगभग गोलाकार है लगभग जितने भी ग्रह है यानी जितने कहने का अर्थ जो आठ ग्रह है उन आठों ग्रहों की आकृति कैसा है गोलाकार है कैसा है गोलाकार जैसे एक गेंद होता है कर तथापि इनका आकार भिन्न है लेकिन गोलाकार तो है लेकिन कह है कि तथापि इनका आकार क्या है भिन्न है यानी भिन्न यानी कि अलग अलग है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है यानी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है बृहस्पति सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है तो बुध कर संरचना के आधार पर सभी संरचना के आधार पर भी ग्रहों में भिन्नता पाई जाती है संरचना यानी कि उनकी जो बनावट है उनके आधार पर भी ग्रहों में क्या पाई जाती है भिन्नता पाई जाती है कह रहे बुध शुक्र पृथ्वी व मंगल ठोस ग्रह है देखिए चार ग्रह ठोस है कौन कौन बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल पृथ्वी यानी कि जिसमें हम लोग रहते हैं जबकि बृहस्पति शनि अरुण और वरुण गैसीय और द्रव्य ग्रह हैं यानी कि ये जो चार आप देख रहे हैं बृहस्पति शनि अरुण और वरुण ये गैसीय या अवस्था में और जबकि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ठोस ग्रह के रूप में कर सूर्य और चंद्रमा के पश्चात शुक्र आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला पिंड है यानी कि सूर्य सबसे चमकीला है चंद्रमा उससे थोड़ा सा कम है इन दोनों के बाद अगर कोई सर्वाधिक चमकने वाला चमकीला पिंड है तो वह है शुक्र वह है शुक्र कह मंगल अपनी विशिष्ट लाल लालिमा युक्त छठा के कारण लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है यानी कि मंगल को हम लोग लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं क्यों जानते हैं क्योंकि ये विशिष्ट लालिमा युक्त होता है यानी कि इसमें जो इसका जो कलर होता है इसका जो रंग होता है वह रेड होता है लाल होता है रहा किसी शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखने पर शनि गैसों, धूलकड़ों चट्टानों वर्फ करोड़ से निर्मित छल्लों से घिरा दिखाई देता छल्ला समझते हैं ना रिंग जैसे ये आपको दिखा रहा हूं मैं ये जो है क्या है रिंग है ठीक है ऐसे ही मतलब इसी तरह के छल्लों से क्या होता है ये आपका जो शनि है वह घिरा हुआ रहता है ठीक है यानी कि ये जो छल्ले होते हैं वो क्या क्या होंगे वो तो या तो गैस होंगे धूल कण होंगे चट्टान होंगे या बर्फ के कण होंगे ठीक है कह रहा है कि कह रहा है यहां पे कि वर्तमान शोध के अनुसार बृहस्पति अरुण और वरुण के चारों ओर चारों ओर भी इसी प्रकार के छल्ले हैं आप देखिए वर्तमान में यानी कि शोध किया गया सर्च किया गया है तो उस सर्च में यह पाया गया है कि बृहस्पति अरुण और वरुण के चारों ओर भी इसी प्रकार के छल्ले किस प्रकार के छल्ले जिस प्रकार के छल्ले शनि के, के चारों ओर पाए जाते हैं कह रहा है दिखाई नहीं देते हैं लेकिन एक बात है कि ये छल्ले जो है, यानि कि जो कि रिंग के भाती है वह आपको पृथ्वी से दिखाई नहीं देते हैं ठीक है उसके बाद अब हम आते हैं उपयोगी तथ्यों पर कह रहा है कि शुक्र जब प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व आकाश में दिखाई देता है तो इसे भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार कहते हैं शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं भोर का तारा कहते हैं या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं क्यों क्योंकि जब प्रातः का सूर्य उदय होता है उससे पूर्व उससे पहले यह आपको बहुत ही चमकीले रूप में दिखाई देता है कौन शुक्र इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं भोर का तारा कहते हैं लेकिन जब यह शाम को सूर्यास्त के पश्चात दिखाई देता है तो इसे शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहते हैं लेकिन यही शुक्र जब सूर्यास्त के बाद जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद चमकीले रूप में दिखाई देता है तो शुक्र को हम लोग उस समय क्या कहते हैं शाम का तारा कहते हैं तो आज बस इतना ही मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप लोगों को बनाना है क्वेश्चन को लेखिए ग्रह किसे कहते हैं ग्रह किसे कहते हैं उसके बाद लिखिएगा सौर मंडल में आठ ग्रहों का नाम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखें सौर मंडल में आठ ग्रहों के नाम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखें उसके बाद लिखिएगा आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? उसके बाद लिखिएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है उसके बाद के किस ग्रह को भोर का तारा तथा शाम का तारा कहा जाता है किस ग्रह को भोर का तारा तथा शाम का तारा कहा जाता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ठीक है बच्चों